हाय ऑल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो एक छोटा सा एक डे इन माय लाइफ व्लॉग है, तो उसमें एक्चुअली मैं शादी के लिए गई थी दांडेली, तो उस वक्त का थोड़ा सा क्लिप्स मैं ऐड कर रही हूँ। तो उस दिन मैं जिस दिन गई थी वो मेहंदी का फंक्शन था, तो ये है मेहंदी का फंक्शन का जो व्यू है। तो ये शादी का घर है और ये मेहंदी का फंक्शन के लिए जो भी खाना वगैरह प्रिपरेशन हो रही है, तैयार हो रही है, मेहंदी है तो एकदम बढ़िया सा फंक्शन होती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ना बाहर ही सब कुकिंग वगैरह चल रही है और एक तरफ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, एक तरफ मेहंदी चालू है। फंक्शन तो इवनिंग में है तो मेहंदी तो बनती है निकालने के लिए। तो सारे लोग यहाँ पे आर्टिस्ट ही हैं। और चैनल पे कोई नए हैं तो ना वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक करके ऑल कर दीजिए, तब भी मैं जो भी वीडियोस डालूंगी अब तक नोटिफिकेशन आएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर साफ़ सफाई भी हो रही है मसाला वगैरह के लिए और यहाँ पे बच्चे गाना भी गा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। मैं सॉन्ग वगैरह इसमें ऐड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे कॉपीराइट मिल जाएगा इसीलिए। और यहाँ पे देवरानी मेहंदी निकाल रही है तो सारे लोग हैं ना आर्टिस्ट ही, आजकल बच्चे बच्चे भी सीख लेते हैं मेहंदी, तो सारे लोग एक से एक दूसरे के लिए हाथ में लगा रहे हैं। तो इवनिंग में है फंक्शन तो मैं पूरी तरीके से शूट नहीं कर पाई क्योंकि कहीं कहाँ बाहर जाने के बाद सबकी सोचना पड़ता है इसीलिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये शादी हो चुकी है ऑलरेडी, शादी के दिन रात के हम लोग म्यूज़िकल चेयर खेल रहे थे तो बहुत एन्जॉयमेंट किए हम। और शादी जो थी ना एक्चुअली मेरा भाई लगेगा वो, तो मेरी जेठानी की भाई है एक्चुअली, उन्हीं के घर से मेरी शादी की वगैरह तैयारी हुई थी तो वो मेरा भाई है। तो देखिए यहाँ पर बहुत एन्जॉयमेंट किए हमने म्यूज़िकल चेयर में। थोड़ा थोड़ा क्लिप्स इधर उधर के ऐड कर रही हूँ क्योंकि किसी को लेना भी एक्चुअली किसी को पसंद भी नहीं आता है फंक्शन में ऐड होने, मतलब वीडियोस में वगैरह आने के लिए, इसीलिए। तो ये है और ये घर है शादी की और उसी दिन तो मेहंदी के दिन ओपनिंग भी थी, नया घर है ये तो माशाल्लाह कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना फंक्शन की जो वाइब है। तो उसके बाद मैंने फ़ोटोज़ वगैरह निकाली थी शादी की और रिसेप्शन की, तो वही मैं ऐड कर रही हूँ बच्चों के साथ जो है। शादी का रिसेप्शन का वगैरह ब्लॉग नहीं निकाल पाई मैं। उसके बाद मैं जो घर आ गई थी, घर आने के बाद एक छोटा सा ब्लॉग, उस दिन जोया का बर्थडे था तो वहीं सुबह से शूट है ये। सुबह मॉर्निंग में सुबह में उठ गई थी एक्चुअली इंस्टा के लिए, मैं इंस्टाग्राम के लिए शूट कर रही थी ये गुड मॉर्निंग जो मैसेज है सुबह में हर वक्त तो डालते रहती हूँ, तो उसी का एक छोटा सा झलक है तो वो भी मैं इस क्लिप में ऐड कर रही हूँ। तो सुबह सुबह ना उठ के आकर इस तरीके से व्यू वगैरह देखना कितना बढ़िया लगता है ना। एक्चुअली बहुत गर्मी भी है, अभी तक तो बारिश नहीं शुरू हुई है, बहुत गर्मी की बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, इतनी गर्मी हो रही है कारवार में। और ये जो है बाहर का व्यू है। तो उस दिन मैं अपने ड्यूटी के लिए भी जाना था तो एकदम बड़ा सा फंक्शन नहीं किए हम, पार्टी वगैरह ग्रैंड नहीं किए। तो ये मैं सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए केरला स्पेशल अप्पम बना रही थी, तो उसके लिए मैं 2 ग्लास चावल भिगो के रखी थी। एक्चुअली ये रेशन का चावल है तो रात में ही भिगो के रखी थी मैं, तो उसको अच्छे से वॉश करके ना एक पानी में ही रखना है क्योंकि वही पानी अब हम पीसने के लिए ग्राइंड करने के लिए लेती हूँ मैं। और एक नारियल ली हूँ मैं इसके लिए, जो जो चीज़ लगता है चावल, नारियल, ईस्ट और नमक, बस इतना ही है। ईस्ट जो है ना आपको कौन से भी शॉप में मिल जाएगा, जैसे कि बेकरी में या तो फिर मोर में वगैरह ड्राई ईस्ट आपको मिल जाएगा। तो इसको मैं 2 ग्लास चावल डाली हूँ ना तो 2 ट्रिप करके मैं अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ, वही पानी ले रही हूँ जैसे कि मैंने बताया कि अच्छे से वॉश करके लेके लास्ट एक अच्छे पानी में हमें भिगो के रखना है चावल को। ये देखिए ये ड्राई एक्टिव ईस्ट है तो इसको इंस्टेंट ईस्ट है, जल्दी घुल जाता है पानी में, तो मैं 1-2 चम्मच भर लेकर पानी में भिगोने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद ऐड कर देती हूँ मैं। एक्चुअली ये डाल करके पीस भी सकते हैं आप, लेकिन मैं जो करती हूँ लास्ट में एंड में आटा वगैरह बनकर रेडी हो जाएगा उस वक्त मिक्स करके रख देती हूँ, तो हमें बैटर को एक 2 घंटे के लिए तो छोड़ देना है, तभी वो अच्छे से मिक्स होके अच्छे से फूक के आएगा आटा। अभी ये देखिए एकदम स्मूथ सा पेस्ट है। तो अप्पा चट्टी बोलते हैं उसके लिए ना, अप्पा कार अप्पा चट्टी जो है अमेजोन में वगैरह मिल जाता है वो बर्तन,
कढ़ाई जैसे ही होती है छोटा सा, और शॉप में वगैरह अवेलेबल है, पता नहीं मुझे इधर मिलेगा क्या नहीं। एक्चुअली मैं भी केरला से ही परचेज़ की थी, तो ये ना बच्चों के लिए ना ब्रेकफास्ट इंस्टेंट एकदम जल्दी से बन जाता है और टेस्टी भी होती है। इसके साथ ना कोकोनट चटनी के साथ या फिर कौन सी भी ग्रेवी के साथ आप खा सकते हैं, जैसे कि चिकन, फिश या कुछ सब्जी के साथ में, किसी के साथ में भी आप ले सकते हैं इसे। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके मैं रख देती हूँ उसको। उसके बाद ये देखिए, मैं अमेज़ोन से बॉक्स वगैरह मंगाई थी, स्पाइस बॉक्स, और जो मसाले पाउडर वगैरह डालते हैं ना, तो एकदम अच्छे से बढ़िया सा क्वालिटी है ये। एक्चुअली मेरे पास जो है एकदम पुराना हो चुका है, तो मैं उसको सिर्फ चेंज करना चाहती थी, इसी के लिए ये बॉक्स मैंने मंगाई थी। तो ये क्योंकि चार कंपार्टमेंट है इसमें, सारे चीज़ एक ही इसमें आ जाएगा, जब भी हम बॉक्स निकालेंगे तो जैसे कि हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर, मिर्ची पाउडर जो है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, एक ही साथ मिल जाएगा, इसीलिए मैं इस तरीके से बॉक्स ले रही हूँ। तो इस टाइम थोड़ा चेंजनेस के लिए ली थी मैं, और मुझे बहुत अच्छा भी क्वालिटी लगा, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। तो ये कंपार्टमेंट में मैं चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, दूसरे इसमें हल्दी पाउडर और फिर धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी। ऐसे मैं तीन बॉक्सेस मंगाई हूँ, और ज़्यादा एकदम अमाउंट भी नहीं है, एकदम कम अमाउंट में 500 रुपीज़ कुछ लगा इसे। तो ये देखिए, ये तो पुराना बॉक्स है, बहुत साल पहले की है, ऑलमोस्ट 10 साल तो हो गए हमें ये बॉक्सेस यूज़ करने लगी हूँ। तो इस बार मैं सोची कि थोड़ा चेंजनेस के लिए नया बॉक्स मैंने मंगा ली, और एकदम प्लास्टिक, मतलब एकदम लो क्वालिटी की नहीं, एकदम अच्छी क्वालिटी की है। अगर लिंक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देती हूँ, या तो फिर आप अमेज़ोन में सर्च करोगे ना स्पाइस बॉक्सेस या फिर किचन कंटेनर्स, इस तरीके से चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। अलग अलग तरीके की है, मुझे ये बस ये अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जिस वक्त भी हम कुकिंग के लिए रुकेंगे, एक एक बॉक्स अगर ले लेंगे तो सारी चीज़ एक ही इसमें मिल जाएगा, मेन जो यूज़ है यही है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं डाल चुकी हूँ पाउडर्स, मसाले जो पाउडर है ना, तो ये देखिए, ये हल्दी पाउडर है, तो ये चिली पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर है, तो ये गरम मसाला पाउडर, तो ये चारों एक ही इसमें आ गया, तो बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए, तो शायद आपके लिए भी होगा, ऐसे ही लगता है मुझे। तो एकदम बढ़िया सा है देखिए, और बॉक्सेस भी ना अच्छी क्वालिटी के है, प्लास्टिक कंटेनर्स मतलब एकदम लो क्वालिटी के नहीं, अच्छे क्वालिटी के है। तो इसमें स्पून्स वगैरह भी मुझे अच्छा लगा देखिए, इस तरीके से, तो चारों एक ही साथ में आ गया। जब भी हम मसाले वगैरह के लिए निकालेंगे तो इस तरीके से खोलेंगे तो सारे चीज़ एक ही साथ में मिल जाएगा हमें, तो ये एक बेनिफिट है, तो एकदम बढ़िया है ये। सिर्फ क्या है, क्वांटिटी थोड़ा सा मुझे लगता है एक पाव किलो से थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी मिलता है हमें इसमें, एकदम हाफ किलो वगैरह लाएंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा पैकेट्स, तो हम फोल्ड करके रख देंगे, जितना होता है उतना डाल करके, तो इस यूज़फुल बहुत है। तो अमेज़ोन से ये एक परचेस मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये है अप्पा चट्टी, जो अप्पम जो बनाने के लिए जो बर्तन मैंने लिए हूँ, ये कढ़ाई है, ये आपको अमेज़ोन में, फ्लिपकार्ट में शायद मिल जाएगा, शॉप्स में मिलेगा पता नहीं मुझे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग बनाते हैं कहीं कहीं, तो ये आपको मिल जाएगा आसन से। और ये ना ऑयल फ्री है, ऑयल बिल्कुल नहीं यूज़ करना है हमें, वो एक बेनिफिट है इसमें, तेल ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये देखिए, कढ़ाई गर्म होने के बाद 2 से 3 चम्मच आटे को डालेंगे, फिर घुमाएंगे हम, तो एकदम बढ़िया सा अप्पम जो है बनकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हल्का सा घुमा देना है सर्कल में, और इसको एक 10 मिनट तक तो पका लेना है, अगर धीमे आंच में रख के, एकदम स्लो नहीं, मीडियम फ्लेम में रख के ना बना सकते, क्यों नहीं तो फिर जलेगा ना, इसीलिए मीडियम फ्लेम में रख के बना सकते। और कम से कम एक 2-3 मिनट के बाद आप चेक भी कर सकते, क्योंकि जल्दी भी अगर फास्ट में रखेंगे तो जल्दी कुक हो जाएगा।
तो ये देखिए, ये एक बार मैं ओपन करके चेक करती हूँ। तो और थोड़ा सा बीच में जो है ना आटा जाके रुक जाता है, तो बीच में थोड़ा सा झाड़ा जैसा रहता है, तो इसीलिए वो ज़रा कुकिंग होने के लिए और एक 5 to 6 मिनट्स रखना है। तो अभी ये बन गया है। अगर फास्ट फास्ट चाहिए तो थोड़ा सा फ्लेम हाई रख के बना सकते हैं, लेकिन हम देखते रहना है उसको। तो यहाँ पे हमारा एकदम बढ़िया सा अप्पम जो है निकल कर आ गया है। देखिए इतना स्मूथ होता है ना खाने के लिए, चटनी के साथ, कोकोनट चटनी के साथ आप खा सकते हैं, या तो फिर कुछ भी ग्रेवी के साथ में आप ले सकते हो। इस तरीके से कुछ भी आपको जैसे कि जिस तरीके से पसंद है उस तरीके से ग्रेवी के साथ मिक्स करके खा सकते हैं या चटनी के साथ। तो ये एकदम जल्दी से बन जाने वाला है, तो इसीलिए ये ट्राई की। और चैनल पे कोई नए है तो ना, वीडियो अगर पसंद आ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक करके ऑल कर दीजिए, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करना ना भूलिए, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और लास्ट वीडियो में तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, कोई बोल रहे थे कि मुझे कर्नाटक में है कन्नड़ में बात करना चाहिए, तो कन्नड़ दल्लू माताड़वा प्रॉब्लम इला, बट ಏನಾಗುತ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಂದಿ ಆ ತರಾನೇ, ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೋ ಕನ್ನಡನೂ ಮಾಡುವ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ। ಸೋ ಇದು ಅಪ್ಪಕರ ಅಂತ, ಇದು ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ। ನಾನು ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। ವೈಟ್ ರೈಸಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು। ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್, ಡ್ರೈ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು। ಸೊ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇದು। ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಲ್ಲೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು। ಸೊ ಯಾಂ ಪಿ ದೇಖಿ ಅಭಿ ಏಕದಮ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸಾ, ದೇಖಿ बच्चे ना एकदम प्यार से खा लेंगे। अगर किसी को दूध में खाना चाहते हैं तो दूध और शक्कर मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना रही थी इवनिंग के लिए, तो जोया की बर्थडे थी, तो उसके बर्थडे के तो हमने एकदम ग्रैंड नहीं किए क्योंकि अभी ऑलमोस्ट स्कूल स्टार्ट होने आ गया है और हम भी ड्यूटी पे थे, बहुत बिजी थे, तो छोटा सा एक पार्टी किया हमने। तो यहाँ पे ये कॉफ़ी का ना, मैं ये भी इंस्टाग्राम पे आपको, अगर फॉलो कोई कर रहे हैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी परवीन ब्लॉग्स बोल के, तो उस पर मिल जाएगा आपको। मैंने रील्स बना के डाली थी कॉफ़ी इस तरीके से करके। तो मुझे तो घर पे यहाँ पे सबको कॉफ़ी बहुत पसंद है, हस्बैंड को सिर्फ टी है, तो हम कभी चाय कॉफ़ी ऐसे पी लेते हैं। और ज़्यादातर बारिश वगैरह होती है ना, एकदम कोल्ड क्लाइमेट रहती है, तो हमें कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है, तो सभी को आई थिंक सो, मुझे ही नहीं। और ये संडे का दिन था तो मैं मार्केट चले गई थी। ये देखिए आम का सीज़न है, एकदम बढ़िया बढ़िया सा आम है यहाँ पे, लेकिन रेट पूछिए मत, रेट एकदम सा कॉस्टली है क्योंकि अभी जो सीज़न है 450, 500, 650, 700, 800 ऐसे डज़न के रेट्स चल रही है यहाँ पे। तो लेकिन देखने के लिए ना एकदम, देखिए अलग 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 वेराइटी का, मुझे तो पता नहीं इसके नाम भी, लेकिन मैं देखी तो शूट करके ली मार्केट जब चले गई थी तब, तो एकदम से बढ़िया सा है देखने के लिए। देखिए लुक देखिए, और अभी ये बारिश वगैरह गिरने के पहले ही खाए तो ना एकदम टेस्टी रहेगा, क्योंकि बारिश वगैरह पड़ने के बाद टेस्ट भी चेंज हो जाता है और कीड़े वगैरह लगने के लिए चांसेस होती है। तो अभी जो है सीज़न है, इसीलिए बहुत सारे लोग लेकर गए। एक्चुअली ये सुबह सुबह में बैठते हैं, इवनिंग तक मतलब ना पूरी चीज़ ख़त्म हो चुका होता है। इवनिंग 1:30 मतलब कुछ भी नहीं, 5 भी नहीं आया ऑलमोस्ट, मुझे लगता है 4:30 तक सारी चीज़ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं चले गई थी मोंजनीस में केक लेने के लिए, तो इस बार हम केक पहले से ऑर्डर नहीं किए थे, रेडीमेड केक ही ले रहे थे। तो ये देखिए ये अलग अलग, ये सभी ना 1 किलो के हैं, और ऊपर जो है 1/2 किलो के हैं। 1 किलो के ऑलमोस्ट मुझे लगता है 850,000 के रेंज में हैं, और 1/2 किलो के 500, 600, 450 इस तरीके से रेंज में है। तो पिस्ताशो था, फिर मैंगो फ्लेवर की था, फिर चॉकलेटी फ्लेवर का, ज़्यादातर जो है चॉकलेटी फ्लेवर ही है, और कोल्ड केक्स है।
तो हमने सोचा कि हम इस बार कुछ अलग सा ट्राई करेंगे। तो हमने केक जो लाया, कौन से केक लाए थे, रेड वेलवेट केक लाए थे, मैं भूल गई थी। तो ये उसके बाद जोया के लिए सरप्राइज़ था, तो हमने सोचा कि साइकिल दिला देंगे उसको। तो हम यहाँ पे साइकिल लेने के लिए आ गए, तो उसका स्पेशल सरप्राइज़ गिफ्ट था ये। तो इसीलिए हमने ज़्यादातर बढ़िया सा पार्टी वगैरह नहीं किए। वो बहुत दिन से बोल रही थी कि उसको अच्छे से एक साइकिल चाहिए, तो बच्चे अभी तो साइकिल चलाएंगे, तो इसीलिए एक बढ़िया सा। तो ये काजूबाग एरिया है, यहाँ पे न्यूली एक शॉप ओपन हुआ है बेडशीट्स के वगैरह, और ओपोजिट में अपोलो है, इस तरफ देखिए बिल्डिंग्स वगैरह है, यहाँ पे दुर्गा बेकरी है, उसके बाद साइकिल शॉप है। तो यहाँ से हमने साइकिल परचेज कर ली है, और जोया बहुत खुश हो गई क्योंकि उसको इसी तरीके से इस पैटर्न में साइकिल चाहिए था। पहले उसके पास लेडी बर्ड साइकिल था, अब ये देखिए, तो वो साइकिल तो वो उसकी बहन को दे चुकी है, मतलब हमारे मेरे जेठ की बेटी को। तो ये देखिए, ये वाला अभी नया उसके लिए परचेज कर रही, वो बहुत साल से वो चला रही थी इसी के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो ये है हमारा बर्थडे पार्टी, रेड वेलवेट केक है, मंच है और थम्सअप है, फिर चीज़ ब्रेड जो लाए थे हमने वो है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।